ट्रिपल तलाक की विक्टिम सारा बानो और अदर सुप्रीम कोर्ट गई सर, और सुप्रीम कोर्ट ने सर अपना फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सर, दो जजेस जस्टिस नारीमन ऑनरेबल जस्टिस ललित ने कहा इट इज आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक जज ऑनरेबल जस्टिस कुरियन ने कहा कि व्हाट इज रॉन्ग इन कुरान कैन नॉट बी वैलिड इन लॉ, ही सेट इट साइड। दो जजेस जस्टिस खेर एंड जस्टिस नजीर ने कहा कि दैट इज द इंटेग्रल पार्ट बट नॉट द राइट पार्ट, द पार्लियामेंट मस्ट टेक इनिशिएटिव। और सर जो उन्होंने बात कही सर, मैं दो लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा सर, कोर्ट का उससे एक, वी वुड एंड आई एम कोटिंग सर पैरा 199, वी वुड देयरफॉर इंप्लोर द लेजिस्लेचर टू बेस्टो इट्स थॉटफुल कंसिडरेशन टू दिस इश्यू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। वी वुड ऑल्सो बिसीज डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज टू कीप देयर इंडिविजुअल पोलिटिकल गेन्स अपार्ट वाइल कंसिडरिंग द नेसेसरी मेजर्स रिक्वायरिंग लेजिस्लेशन। ये उन्होंने कहा था कि एक स्वर में सदन को बोलना चाहिए। सर हमने सोचा था कि इस निर्णय के बाद सर ये चीज खत्म हो जाएगी। सर हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सर, ये हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों अधिक हो सकते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 तीन तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 टिल 24th of July 2019, सो रीसेंट आर देयर, दैट इज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सर व्हेन रिकरेंट वर हैपनिंग हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर, ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए। सर आई हैव गॉट ऑल द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सर, आई डोंट वांट टू कोट। रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर एक और रोचक बात यह है सर कि ही वॉज फोर्सिंग द वाइफ, ही वॉज अ मोबाइल वेंडर सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक। सर आई पुट ऑल द मेटेरियल्स विथ मी सर, दे आर ऑल फुल द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर विथ मी सर। अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं, इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस। सर हम एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, जब हमारे सामने मामला आया कि कुछ लोगों के मन में मिसगिविंग्स है कि कोई पड़ोसी एफआईआर फाइल कर सकता है, कोई दुश्मन कर सकता है, तो हमने लॉ में क्या कहा, द एफआईआर शैल बी फाइल्ड ओनली बाय द विक्टिम लेडी और हर रिलेशंस बाय ब्लड और मैरिज, नो आउटसाइडर कैन डू इट। तो दूसरी बात थी कि क्या कॉम्प्रोमाइज की हैसियत होगी, वी हैव मेड ए प्रोविजन दैट दिस इज कंपाउंडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ, मैजिस्ट्रेट कैन डू इट सर। कुछ लोगों ने कहा बेल का आप क्या करेंगे, तो ये भी प्रोविजन रखा है, मजिस्ट्रेट कैन गिव बेल अपॉन अप्रोप्रिएट कंडीशन आफ्टर हियरिंग द वाइफ। तो बेल का भी प्रोविजन रखा है, समझौते का भी रखा है सर, और बाकी सब्सिस्टेंस अलाउंस वगैरह है सर। सर मेरी इस सदन से क्या गुजारिश है, बाकी मैं विस्तार से उत्तर दूंगा जब मैं सबकी बहस सुनूंगा, मुझे मालूम है ये सदन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इस सवाल को सियासत के चश्मे से न देखा जाए सर, इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तोला जाए सर, ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का। और सर मैं बहुत बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का। प्रेस, प्रेस, आपको मौका मिल रहा है अभी तुरंत आपको पूरा बोलने का मौका मिल रहा है सर। एक तरफ हमारी बेटियां ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतती है, हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चला रही हैं, हमारी बेटियां चंद्रयान मंगलयान में वैज्ञानिक काम कर रही हैं। एक तरफ हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज आगे ऊंचाई पर पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ तीन तलाक को लेकर हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़े, ये मुनासिब नहीं है सर। इसलिए मैं इस सदन से
बहुत विनम्रता से नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं इस सदन से सर बहुत विनम्रता से गुजारिश करूंगा, ये सदन ऊंचाई पे उठता है। आज ये मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी का है, इसके सदन आगे बढ़े सर। यही कह के मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूँ।